जय हिंद दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS। तो दोस्तों IBPS की तरफ से बैंक क्लर्क्स की भर्ती निकाल दी गई है। तो यह है उसकी नोटिफिकेशन और आज की इस वीडियो में हम एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है A to Z डिटेल्स जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही लंबी नोटिफिकेशन है ये, करीब 71 पेज की है। तो एक एक डिटेल्स यहाँ पर बड़ी अच्छे से दी गई है, जिसके लिए मैंने दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन से संबंधित डिटेल्स हैं उसको मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में डाल रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो यह है दोस्तों नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 के बीच में आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सेम डेट दोस्तों आपकी रहेगी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, 1 जुलाई से 21 जुलाई। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि जो आपकी PET होगी वो 12 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 के बीच में होगी। उसके बाद में आपके कॉल लेटर आ जाएंगे दोस्तों 24 अगस्त में। ऑनलाइन प्री एग्जाम होगा आपका 24 अगस्त में। रिजल्ट आएगा प्री एग्जाम का 24 सितंबर में। उसके बाद में डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स एग्जामिनेशन यानी कि मेन एग्जाम के लिए दोस्तों जो आपके कॉल लेटर्स आएंगे सितंबर और अक्टूबर में आएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका मेन होगा वो होगा 24 अक्टूबर में। और आपका जो भर्ती फाइनल हो जाएगी यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट निकलेगा वो अप्रैल 2025 में निकलेगा। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, तो दोस्तों IBPS की तरफ से कौन कौन सी बैंक्स में भर्ती निकाली गई है उनकी डिटेल ये है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन बैंक्स में दोस्तों ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। करीब 8126 पद हैं, सॉरी 6128 पद, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं कि कौन सी स्टेट में किस किस बैंक में किस कास्ट के लिए और ESM के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो आपके लिए एग्जाम्पल को मैंने उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का यहाँ पर चार्ट का जो है वो स्नैपशॉट लेके लगाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार ये जो बैंक हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, इसमें एक्स सर्विसमैन को 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो हैं इन पंजाब नेशनल बैंक में 55 वैकेंसीज, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज हैं ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 125 हैं और DESM यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 54 हैं। अगर आपको नहीं पता है कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट का चार्ट है, इसमें भी एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज बैंक वाइज अलग अलग दी गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। एज लिमिट, तो दोस्तों एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 28 साल तक है, 20 से 28 साल, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों एज लिमिट है वो होती है, आपको पता होना चाहिए, आप जिस दिन सर्विस से रिटायर हुए हैं उस दिन आपकी मतलब आपकी जो एक्चुअल एज है उसमें से आप अपनी जो सर्विस करके आए हैं आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में उसको माइनस कर दीजिए और उसमें 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर जो आपकी एज आएगी वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन हु डू नॉट पोसेस द अबव सिविल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन शुड बी मैट्रिकुलेट। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेंड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसमें अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास में दोस्तों आप 10th पास हैं तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जब रिटायर होते हैं तो हमारे लिए आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ESM, इसके लिए मैं वीडियो एक डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा तो दोस्तों वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आपने दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप ग्रुप सी या ग्रुप डी में ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं तो आप एक्स सर्विसमैन के कोटे के लिए अवेलेबल यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि अगर आपने दोस्तों ज्वाइन करने से पहले कोई भी इनिशियल सिविल एजेंसी ज्वाइन करने से पहले जितने भी जॉब्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रखे हैं अगर उनमें आप भर्ती होते हैं तो आपके लिए एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन मोड में दोस्तों आपका अप्लाई होगा और ये जो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन DESM यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन की फीस होगी वो होगी 175 रुपये और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों 850 रुपये।
नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 0.25 यानी कि 1/4 की, तो सही से आप कर लीजिएगा। प्री और मेन दोनों में ही जो एग्जाम है उनके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्री एग्जामिनेशन का दोस्तों सिलेबस इस प्रकार है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का, वो इंग्लिश में होगा। बाकी आपकी क्षेत्रीय भाषा जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी में लेना चाहें या फिर आप अपना टेस्ट को कंडक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हैं, इतने इतने मार्क्स हैं और इतना इतना टाइम दिया गया है आपके लिए प्री एग्जाम के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका। सेम दोस्तों मेन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिए हुए हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये दिया हुआ है, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, 35 मिनट, इसी प्रकार से पूरा का पूरा टाइम दिया गया है, आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।